हेलो गाइस, दिस इज दिव्या कैन वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, जब केव्स एंड क्लिप्स का ये न्यू अपडेट आया माइनक्राफ्ट का 1.18 वाला, तो इसमें आपको पता है अंडरग्राउंड वाली कितनी सारी केव्स ऐड करी गई। एंड जो लोग मतलब पहले खेल लेते, जैसे कि मैं पहले खेल रहा था, जो मेरी 500 डेज सर्वाइवल सीरीज भी चल रही थी, सब कुछ अच्छे से चला था। बट एक दिन ये अपडेट आता है और हम गेम को अपडेट करते हैं। अपडेट के बाद गेम नॉर्मल ठीक ठाक चल रही थी, बट यार हमने काफ़ी कुछ मतलब मैंने तो यार काफ़ी कुछ नीचे की तरफ माइनिंग कर दी थी, जिसके कारण जो ये न्यू अपडेट आया था ना, तो नीचे की जो केव्स होती थी वो अलग ही तरीके से जैसे जनरेट हो जाती थी। नॉर्मल ठीक ठाक लगती थी, पर कहीं ना कहीं दिल नहीं मानता था, तो इसी वजह से फिर से मैंने अपने वर्ल्ड को डिलीट करा, उस वाले ओल्ड वाले को, एंड फिर से न्यू वर्ल्ड क्रिएट करा, जिसके कारण यार जो सर्वाइवल सीरीज हमारी अच्छी खासी चल रही थी वो मुझे रोकनी पड़ी। बट फाइनली मैंने अब फिर से अपने वर्ल्ड को रीबिल्ड कर लिया है। ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ चीज़ें मैं अब बना चुका हूँ, मतलब कह सकते हो कि मेरा बेस क्लियर हो चुका है और अब मैं फिर से अपनी सर्वाइवल सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। तो गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे न्यू वर्ल्ड की, एंड इस वीडियो में मैं आपको अपना ब्लेज टूर करवाने वाला हूँ। अब तक मैंने क्या प्रोग्रेस करा है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ब्लेज को चारों तरफ से इसका पैखरमा लगा लेते हैं, हम लोग चक्कर लगा लेते हैं और आपको मतलब चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि ये दिखता है कैसा एक्चुअल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने इस वर्ल्ड को स्टार्ट करा तो आपको पता ही है, सबसे पहले हमारा मेन मोटिव होता है पहला डे किसी तरीके से गुजारना और किसी अच्छे से ब्लेज को ढूंढना। तो फाइनली मुझे ये एक मतलब ठीक ठाक लोकेशन पे ब्लेज मिल गया था। यहाँ की ज़मीन वैसे काफ़ी उबड़ खाबड़ थी, ये तो मुझे डर्ट खोद खोद के इसको थोड़ा प्लेन करना पड़ा। तो यहाँ पे मुझे ब्लेज मिला और ये मुझे लोकेशन थोड़ी अच्छी लगी, तो यहीं पे मैंने सोचा कि इस लोकेशन को एक अच्छे से विलेज में कन्वर्ट करा जाए, अपने लिए रहने के लिए जगह बनाई जाए। तो ऐसे मैं धीरे धीरे से कन्वर्ट करता गया, तो फाइनली अभी मेरे से कुछ इस टाइप किया मेरा ये विलेज तैयार हो गया। और इसमें मतलब सब कुछ, ये जो विलेज था एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो जितने भी ओल्ड घर थे इस विलेज के, वो मुझे लगभग सारे के सारे तोड़ने पड़े। लगभग क्या, ए टू जेड मतलब मैंने सारे तोड़ ही दिए। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी छोटी सी दुनिया यहाँ पर है। तो गाइस, जो मेरा पहला ओल्ड वाला वर्ल्ड था, तो उसमें ऑलमोस्ट समझ लो कि बस मैं बनाते जा रहा था चीज़ें, कुछ मेरा उसमें कोई प्लान नहीं था। बट इस वर्ल्ड के अंदर मैं हर एक चीज़ थोड़ा सोच समझ के बना रहा हूँ, और इस बार तो मतलब मेरा थोड़ा ये प्लान है कि जो मेरा विलेज बनेगा ना, वो एक मैप के थ्रू मतलब मैं बनाऊँ। पहले मतलब मैं सोचता हूँ कि मुझे कैसा अपना मैप रखना है, एंड उस हिसाब से मैं चीज़ें बनाता हूँ। और इस विलेज के अंदर आप देख सकते हो कि जो सड़कें वगैरह हैं वो बिल्कुल मतलब एक जैसी लग रही हैं। थोड़ा मतलब मैंने डिज़ाइन से इस विलेज को तैयार करा है। एंड अभी आपने मेरी रिसेंटली वीडियोज़ देखी होंगी, हाउ टू बिल्ड अ मार्केट प्लेस हो गया, हाउ टू बिल्ड अ टावर हो गया, और घर कैसे बनाएं, ये कुछ अभी मैंने 3-4 वीडियो अपलोड करी थी, अभी रिसेंटली अपलोड करी हैं। तो गाइस, उन सब वीडियो को आप देख सकते हो अगर आप मतलब मेरे जैसा कुछ कुछ आइडिया लेके बनाना चाहते हो तो। ठीक है, तो गाइस चलते हैं हम लोग अपने फाउंटेन की तरफ, जो कि हमारे ब्लेज का बिल्कुल मिड पॉइंट है, यानी कि सबसे मध्य का हिस्सा यही है हमारा फाउंटेन। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टोटल मैंने 8 मार्केट प्लेस बिल्ड कर रखे हैं, एंड सभी के अंदर 2-2 जॉब ब्लॉक्स हैं, एंड टोटल 16 मतलब टाइप यहाँ पे ब्लेजर्स हो गए हैं, 16 जॉब मैंने अभी इन्हें प्रोवाइड करी हैं। वैसे टोटल जो जॉब होती हैं गेम के अंदर वो 13 होती हैं, जिसमें फार्मर की भी जॉब इंक्लूड है। अगर आप ब्लेजर्स और ब्लेजर्स की जॉब के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो, उनसे ट्रेडिंग करके आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, जो कि मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो में से एक वीडियो है। वो उस पर 1 लाख से भी ज़्यादा मतलब प्लस में व्यूअर्स आ चुके हैं, तो वीडियो काफ़ी कमाल की, काफ़ी नॉलेज फुल है, उसे ज़रूर देखना। तो गाइस, यहाँ पे आपने ये मेरा फाउंटेन देख लिया और जो इनका मार्केट प्लेस है वो भी देख लिया। एंड अब इन ब्लेजर्स के लिए घर चाहिए थे इनके रहने के लिए, तो इन घरों को मैंने चारों तरफ 4 डायरेक्शन में बना दिया है। तो टोटल सिर्फ 4 ही घर बनाए हैं, एंड 4 घर के अंदर टोटल जो कैपेसिटी है वो 5 ब्लेजर्स की है। तो आप जोड़ सकते हो टोटल 4 घर है, यानी कि टोटल 20 मतलब 20 ब्लेजर्स स्पोन हो चुके हैं अब तक मेरे इस ब्लेज के अंदर। एंड सभी का अपना अपना प्रोफेशन है, कुछ एक दो मतलब घूमते हैं खाली, बाकी ऑलमोस्ट सबको जॉब मिल चुकी है। और ये थोड़ा मतलब मेरा प्लान था, ये मैंने मतलब थोड़ा मैप डिज़ाइन करा था, आई होप आपको भी पसंद आएगा। और गाइस, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो आयरन गोलम है वो भी ऑटोमेटिक मेरे अब स्पॉन हो जाते हैं। 2 आयरन गोलम हमेशा स्पॉन होते रहते हैं, चाहे मैं उन्हें किल भी कर देता हूँ, तुरंत स्पॉन हो जाते हैं, जिससे आप कह सकते हो कि मेरे पास अनलिमिटेड आयरन का सोर्स बन चुका है। वैसे गाइस, मैं आपको बता दूँ, आयरन गोलम से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप उसे देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में हमारे फार्मर है अपनी जॉब पर, ये सिर्फ यहाँ पे वीट उगाता है, और राइट साइड में आप मेरी शिप को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत शिप भी पा रखी ताकि मेरे को वूल मिलता रहे इनसे। और यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग, तो ये अभी एरिया खाली है, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें और भी बनानी है।
राइट साइड में मैंने थोड़ी काउस पा रखी हैं इनसे मुझे, ताकि लेदर वगैरह भी मिलता रहे। और ये रहा हमारा पोटैटो वाला फार्मर, ये यहाँ पे सिर्फ पोटैटो को ग्रो करता है। और एक चीज़ अभी फार्मर से रिलेटेड मुझे आपको बताना है जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, बट उससे पहले हम लोग चलते हैं टावर पे। तो अभी ये जो टावर है एक तरीके से मतलब पूरा नहीं है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि ऊपर अभी मैं इसका जो छत होती है वो बनाना अभी मतलब बनाने के मेरे पास मटेरियल नहीं है। तो फिलहाल अभी जितना भी टावर मेरे से बना है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो एक बार ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से भी मैं ऊपर दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ से पूरा विलेज दिखता है। तो जस्ट इसके सामने भी आप देख सकते हो ऊपर टावर है। तो यहाँ ऊपर से देखने में पता चलता है कि एग्जैक्टली मेरे मैप का डिज़ाइन है क्या। थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब थोड़ा दिमाग लगा के डिज़ाइन करा गया है। तो गाइस अब मैं आपको फार्मर से रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप चाहते हो फार्मर जो भी मतलब फसलें होती हैं, चाहे वो कैरेट की हो चाहे पोटैटो की हो, जो भी क्रॉप हो, आप चाहते हो कि वो अच्छे से उस चीज़ को ग्रो करे और आपस में चीज़ें मिक्स ना करें, तो इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन ये है कि जो इन फार्मर्स की दूरी होती है ना, वो आप थोड़ा मतलब इनको दूरी दूरी पे रखा करो एक दूसरे से। इनके खेत भी जो इनकी फील्ड्स होती हैं वो भी थोड़ी दूरी पे रखा करो, इससे आपस में ना ये जो भी क्रॉप्स होते हैं, जो भी फसलें होती हैं, उन्हें मिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ना बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब मेरे फार्मर वर्क कर रहे हैं, जो एक बंदा सिर्फ पोटैटो उगाता है, दूसरा कैरेट उगाता है, आपस में मतलब मिक्स नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे से काफ़ी दूर है। तो गाइस काफ़ी मज़ा आता है इस चीज़ को देखने में, काफ़ी रियलिस्टिक भी लगता है। एंड गाइस जैसे ही रात होती है सभी के सभी विलेजर्स आराम से अपने घरों के अंदर सोने के लिए चले जाते हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है यार ये चीज़ देखने में, मेरे को तो भाई बहुत मज़ा आता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट विलेज का टूर डन हो चुका है, तो एक बार हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ। पहले सबसे पहले मैं कुछ शाउट आउट ले लेता हूँ, जो भी आपके डाउट वगैरह थे वो ले लेते हैं पहले। तो पहले कमेंटर शॉर्ट गेमर्स की, और ये लिखते हैं कि यार मतलब इन्हें हमारे माइनक्राफ्ट सर्वर को ज्वाइन करना है एंड इनका माइनक्राफ्ट गेम में अभी कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो ब्रो सबसे पहले आप बस जो डिस्कॉर्ड होता हमारा वो ज्वाइन कर लो, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे भी हमारे डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट जो कमेंटर वो है आरआरजी आर्मी की तरफ से, और वो बोलते हैं कि भाई आयरन फार्मर बना दो जल्दी से ऑटोमेटिक आयरन फार्म, अदरवाइज चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो ब्रो यार ऐसा मत करो, एक्चुअली मैं आयरन फार्मर की मैं जल्दी से वीडियो ला दूंगा। एंड अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि जब ऑटोमेटिक जो आयरन कॉलम्स होते हैं वो स्पॉन होने लगते हैं ना, तो उससे आपको अल्टीमेटली अनलिमिटेड आयरन मिलने ही लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी आयरन कॉलम वाली वीडियो देख लेना, एंड अदरवाइज़ तो मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा ऑटोमेटिक आयरन फार्म की, ओके। नेक्स्ट जो कमेंट हुआ है जानवी कपूर की, एंड अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो बनाई है जीटी सैन एंड्रियास के ऊपर, तो उस पर कमेंट थी यू आर द बेस्ट। तो यार थैंक यू सो मच भाई, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहा करो। नेक्स्ट कमेंट है सही बारिशी की, यार अगर आपके नेम में मैंने कुछ प्रोनाउंस में गलती करी तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो आप बोले थे आपको शाउट आउट चाहिए, तो भाई देखिए आपके नेम का भी मैंने बोर्ड लगा दिया है। तो नेक्स्ट जो कमेंट हुआ है राजा गेमिंग की, और ये फार्मिंग सिमुलेटर वाली वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो मतलब ग्राफिक है वो थोड़ी काफ़ी ख़राब क्वालिटी मतलब लो क्वालिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त मेरे पास जो मोबाइल था वो रेडमी नोट 8 था, और उसमें ये गेम इतने अच्छे से मतलब ग्राफिक को मैनेज नहीं कर पाती थी। खैर अभी भी मेरे पास नॉर्मल एवरेज वाला ही मोबाइल है। तो गाइस अभी फ़िलहाल मेरे पास मोटोरोला G40 फ्यूज़न है, जो कि रेडमी नोट 8 से थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है मुझे गेमिंग की। बाकी यहाँ पे भी ग्राफिक की क्वालिटी लो ही आती है फार्मिंग सिमुलेटर 20 में। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है सेंस इट गेमिंग की, एंड जो मारियो कॉन्ट्रा वाली मैंने वीडियो बनाई थी उस पर इनकी कमेंट है कि उनके मोबाइल में गेम रन नहीं कर रही। तो ब्रो यार मैं तो आपको बस इतना ही कह सकता हूँ कि प्ले स्टोर से फिर से वो मल्टीप्लेयर वाला एमुलेटर डाउनलोड करो और स्टेप को अच्छे से फॉलो करो एंड ट्राई करो, रन तो ज़रूर करेगी क्योंकि यार मेरे मोबाइल में तो अभी भी रन अच्छे से कर रही है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, रन कर रही, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है रिंकू यादव की, एंड यार इन्होंने कितनी अच्छी लाइन लिखी है भाई, कसम से इतना अच्छा आपने लिखा ना मेरा दिल खुश हो गया यार, थैंक यू सो मच इतना अच्छा लिखने के लिए मेरे बारे में। और ब्रो आप भी जो बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी करना चाहते हो, भगवान आपको सक्सेस दे। तो गाइस यही थी कमेंट्स कुछ प्यारी प्यारी, इसके अलावा और भी कई सारी कमेंट्स थी, मैं सभी को पिक करना चाहता हूँ, बट आपको पता है टाइम की कुछ पाबंदी है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, एंड अब मैं कुछ कमेंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। पहली तो रिंकू यादव की, एंड दूसरी मैं कमेंट हाईलाइट करूँगा रैंडमली अक्खड़ बक्खड़ बम्बे बो करके, एंड मैंने अक्खड़ बक्खड़ बम्बे बो करा, तो इस पर आइए मैं इस कमेंट को भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो ऐसे ही यार अच्छे अच्छे कमेंट करना अगली वीडियो में भी, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने ब्लेज की कॉपी करके अपने ब्लेज को क्रिएटिव मोड में कर दिया है, ताकि मैं आपको एक बार ऊपर से अच्छे से ये दिखा सकूँ अपने विलेज को। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये है मेरे विलेज का डिज़ाइन।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलूंगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।